जय माता दी माता वैष्णो देवी जुड़ी किसी भी जानकारी को पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आरआर एक्सट्रीम और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। जय माता दी, एक बार फिर से मैं आप सभी भक्तों के लिए नई और ताजी जानकारी के साथ हाजिर हूं। तो इस वीडियो में आप प्राचीन गुफा के खुलने के समय के साथ साथ मौसम और कोविड टेस्ट से रिलेटेड जानकारी को भी जानेंगे, तो कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग जरूर दें। जैसे आप सभी जानते हैं कि मौसम में बदलाव हो रहा है और ऐसे में सेहत का बिगड़ना आम बात है, और मेरी भी सेहत ठीक नहीं होने के कारण आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने में थोड़ी विलंब हुई, इसके लिए मैं आप सभी भक्तों से क्षमा चाहूंगा। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं सबसे पहले प्राचीन गुफा के बारे में। तो आप सभी भक्तों को बता देना चाहता हूं कि अब माता रानी के प्राचीन गुफा और साथ ही साथ गर्भजून गुफा को भी भक्तों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि अभी भी यात्रा में यात्रियों की संख्या 6 से 7 हज़ार होने के बावजूद प्राचीन गुफा को रात 12 बजे के बाद ही भक्तों के लिए खोला जा रहा है। तो अगर आप माता रानी के दर्शन प्राचीन गुफा से करना चाहते हैं या फिर ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप माता रानी का दर्शन प्राचीन गुफा से करना चाहते हैं तो आपको शाम को ही अपनी यात्रा को आरंभ करनी होगी या फिर आपको भवन पे रुकने का अपना प्रबंध करना होगा। अब बात करें मौसम की, तो मैं आपको बता दूं कि दिन के समय का मौसम अनुकूल बना हुआ है, धूप निकल रही है, लेकिन जैसे जैसे शाम ढल रही है ठंड का प्रकोप बढ़ते जा रहा है और कभी कभी भवन का टेम्परेचर 0 डिग्री तक चला जा रहा है। तो एडवाइजेबल यही होगा कि अगर आप रात के समय में यात्रा आरम्भ कर रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़ा साथ लेकर जाएँ, ताकि अगर कभी आपको ठंड लगे तो उसका आप उपयोग कर सकें। अब बात करें कोविड की, तो आपको बता दूँ कि अभी भी कोविड का निगेटिव होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, और अगर आप जम्मू या फिर कटरा रेलवे स्टेशन पे भीड़ से बचना चाहते हैं तो आप अपना टेस्ट अपने होम टाउन से ही करा करके आएं, क्योंकि अगर आप जम्मू या फिर कटरा रेलवे स्टेशन पे कराने का सोच रहे हैं तो वहां पे यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से आपको भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। और जैसे कि मैंने अपनी पहले वीडियो में आपको बताया था और मैं फिर बता रहा हूँ कि कोविड का जो समय सीमा है वो 48 घंटे से बढ़ाकर अब 96 घंटे कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है उन भक्तों के लिए जो 48 घंटे में नहीं पहुँच पा रहे थे। अब वो आसानी से अपना कोविड टेस्ट के साथ में यात्रा को आरम्भ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य भक्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय माता दी।